जैसे मैंने यहां पे चेक नंबर लिखा, ओके, चेक नंबर लिखने के बाद जाहिर सी बात है चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। भानु जो आप अनम्यूट है, म्यूट करेंगे तो कुछ पूछ सकते हैं आप। तो चेक नंबर 6 डिजिट का होता है तो आप यहां पे 6 डिजिट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो 4 डिजिट का होता है, आगे 0 लगा होता है, लेकिन जब 0 वाला को प्रेस करके एंटर मारते हैं तो 0 से एक्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे 0 शो करना है तो सिंगल को लगाते हैं 0 0 और अपना चेक नंबर लिख देते हैं तो फिर वो 0 सेट कर लेता है। अब यहाँ पे एक चीज जानिए भानु जी और मनोज जी कि आप जो है नंबर के आगे 0 ऐसे नहीं लगा सकते। अगर आप मान लीजिए आपको 012 टाइप करना है तो ये चीज ऐसे टाइप नहीं होगी एक्सेल में, ठीक है। तरीका है तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ 0 लगाया कैसे। तो हमने सिंगल कोट लगाया और सिंगल कोट लगाने के बाद टाइप किया। अब सिंगल कोट जो लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका ये नंबर टेक्स्ट में हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पूरे कॉलम में टेक्स्ट ही लिखना है तो क्यों ना मैं सिलेक्ट करूँ पूरी की पूरी कॉलम को और फॉर्मेट सेल पे चला जाऊं। फॉर्मेट सेल में यहाँ कस्टम दिखेगा या टेक्स्ट, कस्टम फिलहाल छोड़ देते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, 0 से एक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब किसी ने आपको चेक नंबर भेजा हुआ है उसमें उसने 0 नहीं लगाया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर 0 लगाना है तो यहां कस्टम में हम जाते हैं और यहां 0 0 0 0 0 0 0 सिक्स टाइम 0 डाल के एंटर कर दे। दिख गया 0। हमने क्या किया, कस्टम में गया और 6 टाइम 0 डाल दिया। इससे क्या हुआ कि डिजिट को मेंटेन कर दिया कि जितना डिजिट था उतना रहने दिया, उसके अलावा इसने इसके आगे 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मैंने कल आपको बताया था मनोज जी कि किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग में, किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग में रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहां जो आपको दिख रहा है 000152 एक्चुअली में ये ओरिजिनल नहीं है। क्या है ये, एक मिनट सॉरी, हम यहाँ पे अब आपके सामने बात कर रहे थे कि ये जो आपको हमने अभी क्या किया, हमने डेट को लिखा और यहाँ पे हमने कस्टम में जाके 00 कर दिया, इससे जितने भी नंबर्स थे उसका आगे 0 आ गया। और मैं बात कर रहा था कि कोई भी नंबर पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, जस्ट उसका क्या चेंज होता है, तो विजुअल चेंज। तो अगर मान लीजिए किसी सेल पे सिंगल कोड में 000152 लिखा हुआ है, तब क्या होगा कि अगर इन दोनों को आप वीलुकअप मैच या नॉर्मल इफ में इक्वल करेंगे तो आपस में इक्वल नहीं होगा। दिख तो रहा है कि दोनों एक जैसा है बट एक्चुअल में एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये विजुअल है 00152 बट एक्चुअल में 152 ही है। और ये सेम, ये आपका विजुअल भी ओरिजिनल भी 00152 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिस तरह की फॉर्मूले वगैरह लग जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में हम सेम मेथड यूज करते हैं लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर।
तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम हम 0 दे के एंटर करते हैं। अब दोनों आपस में बराबर होगा। समझे सर? तो टेक्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया। मनोज जी समझ में आया आपको कि नहीं? सर ये रिपीट करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरा सिग्नल लॉस्ट था। अच्छा चलिए मैं रिपीट करता हूँ जी। ध्यान से देखिएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। क्या है कि आपको अगर किसी ने एक मिनट पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेट मान लिए किसी ने आपको कुछ चेक नंबर दे दिए हैं, लेकिन ये चेक नंबर को इसने जीरो नहीं लगाया हुआ। मैं चाहता हूं कि जो चेक नंबर है उसमें जीरो ऑटोमेटिकली लग जाए, क्योंकि टाइप करना तो टाइप कर देंगे सिंगल कोड से ना, बट किसी ने टाइप कर चुका है तो वहां पे हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम जीरो लगाते हैं। सिक्स टाइम जीरो लगाने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। बट प्रॉब्लम है जैसे यहाँ पे आपने 52 लिखा हुआ है, 0052, लेकिन एक्चुअल में ये हमने टाइप 52 किया हुआ है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी विजुअल को चेंज करती है, ओरिजिनल को नहीं चेंज करती है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल पे लगता है। जैसे कि यहाँ पे हमने सिंगल कोट लगाया और यहाँ पे 00052 लिख दिया। अब देखने में दोनों एक जैसा है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला इसको आपस में इक्वल नहीं करेगा, नहीं मानेगा। जैसे कि वी लुकअप मैच इफ अगर फॉल्स आएगा वहां पर, तो आप चाहते कि नहीं ऐसा ऐसा कोई नंबर ही आए और मैं इस तरह की विजुअल क्रश। जैसे मान लीजिए ना आपके पास बैंक से एक आपका स्टेटमेंट आया हुआ है कि कौन कौन चेक्स आपका क्रिएट हो गया है और आपने अपने सॉफ्टवेयर टैली में डेटा एंट्री किया हुआ है कि आपने कौन कौन चेक नंबर बैंक को भेजे हैं। अब दोनों को रिकॉल करना है कि कौन सा चेक क्लियर हुआ है, कौन सा चेक बाउंस हुआ है, ताकि आप जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको आप पेनल्टी बाकी चीजें का इंफॉर्मेशन भेज सके। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर एक डेटा आपका इस फॉर्मेट में आएगा, एक डेटा इस फॉर्मेट में होगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने डाला है ना, वही चीज यहाँ डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि सेम चीजें आ रही है और ये दोनों आपस में बराबर है, कि ए एक्चुअल में भी 0052 है और विजुअल भी 0052। अब इसमें मैच इंडेक्स फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं। मनोज जी भानु जी समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जी चलिए अब चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल तो मोबाइल नंबर में +91 लगा के जब मोबाइल नंबर लिखते हैं तो प्लस नहीं लेता है, ठीक है? ये तो ले लिया जो कि टेक्स्ट था, तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखता हूँ +91880 नहीं लिया ना सर, यानी पूरे कॉलम को टेक्स्ट कर लिया था इसलिए ले रहा है। तो सिंगल कोड के लिख के लगाना पड़ेगा या किसी ने टाइप कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें कि पूरे एरिया को सिलेक्ट करें जहां आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएं और यहां पे यहां ये नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर में हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग होता है, इसमें +91 दे दे और यहां पे 880257 नहीं सॉरी माफ कीजिएगा नंबर तो लिखना है, इसमें इसे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे अगर नंबर लिखता हूँ तो +91 ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मीटिंग आईडी वगैरह है, मैं चाहता हूँ 3 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली डैश लग जाए, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 000-000-000-000। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 9 डिजिट का नंबर अगर लिखता हूँ तो 3 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली हैश लगा दे।
इसी तरह से मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने लिखा। तो अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी नंबर आप जो है 9, 10, 11 डिजिट लिखते हो तो आराम से लिखता है, लेकिन जैसे 12 डिजिट आपने लगाया तो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि कस्टम पे जाके एक जीरो या हैश दे दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका पूरा नंबर दिख जाएगा। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा कि 12, 13, 14, 15 15 डिजिट तक तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे आपने 16वां डिजिट लिखा वो जीरो बन जाएगा, मतलब कि 15 डिजिट के बाद जितना भी डिजिट लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उसको जीरो बना देगा, क्योंकि एक्सेल की जो कैलकुलेशन कैपेसिटी होती है ना वो 11 डिजिट ही होती है, सॉरी 15 डिजिट ही होती है, उससे ज़्यादा ये कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर करता है। हाँ, आप सिंगल कोट लगा के टेक्स्ट फॉर्मेट में जितना मर्जी नंबर लिख सकते हैं, जितना मर्जी तो नहीं, 32,000 समथिंग कैरेक्टर्स नंबर्स डिजिट्स में आप इसके अंदर आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया सर? मानो जी है मनोज जी, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। अच्छा, अभी भी मैंने यहाँ पे जीरो हैश का बताया, तो हैश क्या होता है, जीरो हैश का क्या फंडा है, चलिए हम बता करते हैं आपको। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1500, बट आप 1500 में लिखना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो एमआरपी 1500, तो आपने मैनुअल एमआरपी 1500 अगर लिख दिया तो इसके ऊपर आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने करेक्टर ऐड कर दिया नंबर विल बी टेक्स्ट, और टेक्स्ट में किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं होता है। सो मुझे विजुअल से एमआरपी 1500 करना है, बट एक्चुअल में हमें 1500 ही रखना है ताकि मैं इस पर कैलकुलेशन कर सकूं। तो इसी काम में आता है हमारा फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेट। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि टेक्स्ट है इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होगा, MRP डाल दिया। अब आप सिर्फ MRP डाल के एंटर प्रेस कर दोगे तो सिर्फ आपका MRP विजुअल होगा, बाकी सारी कैलकुलेशन होगी लेकिन दिखेगा सिर्फ आपको MRP। अब मैं चाहता हूं कि MRP ना दिखे, MRP के साथ साथ नंबर भी दिखे, तो MRP के बाद मुझे जीरो या हैश लगाना। अब सिंगल में आप जीरो हैश लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अगर दो हैश या दो से ज्यादा हैश लगा दिया, मैं यहां पे 5 लिखता हूं तो यहां पे सिर्फ 5 दिखेगा, जितना डिजिट में टाइप करूंगा ना उतना ही दिखेगा, लेकिन अगर इसी जगह पे दो या दो से ज्यादा जीरो लगा दिया तो फिर ये जितना डिजिट में टाइप करूंगा और जितना आपने जीरो दिया है कम होगा उतना जीरो आगे लगा दिया। जैसे मैंने 2 जीरो लगाया था और हमने 1 डिजिट 5 लिखा, 1 डिजिट कम था इसने लगा दिया। तो हैश जीरो आपको देना ही पड़ेगा जब आपको अपना नंबर शो करना है, समझ गए सर? इसमें जीरो कितने लगा सकते हैं? जितना डिजिट आपको शो करना होता है जीरो लगाइए, 15 डिजिट का 100 थोड़ी होगा तो 15 जीरो लगा सकते हैं। डिजिट में आपको कितना डिजिट मेंटेन करना है, देखिए आप सिंगल लगा सकते हो दिक्कत नहीं है, मैंने बोला आपको कितना डिजिट मेंटेन करना है। जैसे चेक नंबर था हमें 6 डिजिट मेंटेन करना था, 6 जीरो लगाया, राइट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अमाउंट हमारा 2 डिजिट में शो हो, कहीं पे 3 डिजिट में शो करना होता है, तो जितना डिजिट उतने जीरो। जी हाँ, सिंपल। ठीक, अब चलिए कुछ और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 50 रुपए और 36 पैसा टाइप किया हुआ है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे 10 और 1 हैश लगाया और यहाँ पे लिखा रुपीज, फिर .00 पैसे, ठीक है सर?
दिख गया। अब इसमें हमने मान लीजिए कि हमने दो है जीरो, दो जीरो क्यों नहीं लगा दिया? जी है, मैं जो जीरो लगा सकता और मैं पाँच लिखता तो यहाँ पे पाँच रुपये या पाँच रुपये 36 लिखता तो इस तरह से जीरो दिख जाता, लेकिन अगर मैं सिर्फ 50 पैसे लिखा तो 00 रुपीज आ रहा ना, ये गड़बड़ है ना, ऐसा नहीं दिखना चाहिए था ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे दो हैश लगा देता, दो हैश में क्या होगा, रुपीज 50 पैसा, ये भी गलत लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक जीरो लगा देता हूँ तो ठीक रहेगा ना, एक जीरो लगाने पे एक ही 0 रुपीज दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा कि मैंने 5 रुपये 36 पैसा डाला तो 0 फाइन नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जीरो और एक हैश लगाया। और डेसिमल में हमेशा आप जो है जीरो ही लगाएंगे, हैश नहीं लगाएंगे। और आपने हैश लगा दिया और यहाँ पे हुआ 30 पैसा तो दिखेगा 3 पैसा, समझ गए जी। अब चलते हैं थाउजेंड सेपरेटर की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 का टाइप किया हुआ, अब 50,000 मैं टाइप किया, मैं चाहता हूँ अमाउंट इन थाउजेंड में दिखे, अमाउंट इन थाउजेंड। तो बहुत सारे थाउजेंड सेपरेटर भी, जैसे कि यहाँ यहाँ से थाउजेंड सेपरेटर भी लगाते हैं, तो आप थाउजेंड सेपरेटर कहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे। अब हैश दिया हमने कॉमा और 3 बार हैश, या जीरो दे सकते हैं आ जाएगा, लेकिन मैंने जीरो या हैश दे दिया और कॉमा दे दिया, उसके आगे कुछ दिया नहीं, तो फिर 50 हो जाएगा। लेकिन मैं 50 के साथ कुछ थाउजेंड्स और के इस तरह से देना चाहता हूँ, जो मैं आप लिख देता हूँ थाउजेंड, 50,000 आ गया। अब इसमें मैं प्लस करता हूँ 1,000, तो 51,000 आएगा, क्योंकि विजुअल है आपका 50,000 तो दिख रहा है 50 ना। तो अमाउंट इन थाउजेंड में करने के लिए आपको क्या करना है, एक जीरो या हैश के बाद सिंगल कॉमा देके छोड़ देना है। हाँ, उसके बाद कुछ सफिक्स लगाना चाहते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है लगाना चाहते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन अमाउंट ज्यादा हो, जैसे मैं यहाँ मिलियंस में लिख देता हूँ, तो उस केस में अगर थाउजेंड करेंगे तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पे हम देते हैं 0.00 एंड डबल कॉमा, ये देखिए 64.67 मिलियन, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते, तरह वाला रिपीट करेंगे प्लीज। सिंपल सर, डबल कॉमा, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, 1,000 हो गए। अब बात करते हैं, जैसे कि मुझे अगर ये लेना है डेट्स है, तो डेट हमें टाइप कर दिया, तो डेट की फॉर्मेटिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, DDMMYY। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर डीडी किया तो डेट आएगा स्लैश एमएमएम स्लैश वाई वाई। तो अगर आप एक डी देते हैं तो 1-2 आएगा, दो डी देते हैं तो 2-0-1-0-2 आएगा, तीन देते हैं तो संडे मंडे शॉर्ट में आएगा, चार देते हैं तो आपको फुल में आएगा। सेम मंथ में भी आपका एक देते हैं तो 1-2, दो देते हैं 0-1-2-3, तीन एम देते हैं आप तो जैन फैब, और चार देते हैं तो पूरा जनवरी फरवरी आएगा, आ गया 19 जुलाई 2022। अब इसमें हमने प्लस 30 किए, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे टाइम की बात करें तो टाइम को भी इसी तरह से किया गया है, HHMMSS, AMPM के लिए आप AMP/AMPM कर सकते हैं।
लेकिन बात आती है टाइम को कन्वर्ट करने की, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने 45 घंटे 30 मिनट लगाया हुआ है, अब देखिए 21 हो रहा है, अब कहीं और लिखोगे ना 45 घंटे 30 मिनट तो दिख जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आपने नॉर्मल एच एच एम एम दिया हुआ है तो आपको 24 आवर्स से ऊपर नहीं दिखेगा, जी ठीक है ना सर, 24 आवर्स से ऊपर नहीं दिखेगा। इसे आपको क्या करना होगा कि आवर को एच स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब एच को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, तब जाके आपका पूरा 45 का दिखेगा। लेकिन आप मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं कीजिए, बड़ी ब्रैकेट में एम लिख के एम पे मार दीजिए तो मिनट में कन्वर्ट। लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला में, क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है, तो टेक्स्ट फॉर्मूले में हम सेम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बड़ी ब्रैकेट में एम लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो 2730 2730 आए। राइट, ठीक है सर। इस तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग, तो कस्टम फॉर्मेटिंग की हमारा एक पार्ट वन था। पार्ट टू मतलब कि दूसरी चीज जानने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, इसमें कर सकते हैं सर, मेल व्हाट्सएप जो भी, व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ देखिए, ये आपके सामने ये आर्टिकल्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ये पूरा आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए। कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग में, तो एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल पढ़ लेंगे ना। तो ये मेरा नहीं है आर्टिकल, माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन अच्छा है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। ठीक है सर, तो ये लिंक शेयर कर देना।